चलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। लज तो फिर आ गया, गजब बेइज्जती है। पता नहीं मैं ये लाइन क्यों बोलता हूं, क्योंकि बार बार यही लाइन बोलता हूं, लेकिन क्या करें, कुछ तो बोलना है आप लोगों से इंट्रो देते टाइम। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं कहीं एक और जगह। यार एक तो यार या तो इसको चुप करा, या तो मुझे बोलने दो, या तो ये बोल रहे चिड़िया है पीछे से टी 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 कर रही, पता नहीं क्या कर रही है। खैर लोकेशन भी आप जानते हो कि हमारे यहाँ कितनी हरी भरी है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा चिड़िया, इतने ज्यादा अलग अलग तरीके की चिड़िया है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे कि कुछ कह नहीं सकते, तो बहुत शोर होता है, बट अच्छा लगता है, ये शोर अच्छा लगता है, कम से कम ट्रैफिक के टैं टैं पैं से। सो गाइज आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं बेसिकली दिल्ली दर्शन के एक और ब्लॉग पे। आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको लेकर के चलता हूँ साथ में, और वहीं जाकर के आपको बताऊंगा कि मैं आपको कहाँ लेके चल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने अभी हमारे इंट्रो में देखा, हम लोग इतनी तेजी में बाइक लेके आए हैं, आग लगा के एकदम घोस्ट राइडर की तरह। तो इतनी तेजी में हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, ये है अब्दुल रहीम खाने खाना। सो ये पीछे से आके दिखाइए ताकि आपको पूरा नजर आए। सो गाइस ये है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि आप जानते ही होंगे, रहीम के दोहे आपने बहुत पढ़े होंगे, जो कि रामायण में जो फारसी बेसिकली ट्रांसलेट किया था, तो वो रहीम ने, उन्होंने ये एक बेसिकली शानदार सा एक मकबरा बनवाया था अपनी बेगम यानी अपनी वाइफ के लिए, जिनका नाम था महबानु। और इसके लिए इसके बाद जब उन्होंने बनवाया था, तो इसके बाद उन रहीम जी को भी यहीं पे लाके दफनाया गया था। तो बेसिकली अब कहा जाता है कि रहीम और हुमायूं का जो मकबरा है, वो आगे जा करके ताजमहल जो बनाया था, उसकी प्रेरणा के ये स्रोत थे। इनको देख करके ही बेसिकली इसको, और जो हुमायूं का मकबरा जो हमने आपको दिखाया था, हुमायूं का मकबरा पिछले ब्लॉग में दिल्ली दर्शन के, तो इसको और उसको देख करके ही वो एक ताजमहल का एक बेसिकली आइडिया आया था, क्योंकि ताजमहल से पहले दोनों बन चुके थे। इन दोनों को देख करके ही कहीं ना कहीं वो ताजमहल को बनाने का आइडिया, कि कैसे बनाया जाए, क्या खूबसूरती होनी चाहिए उसकी, तो वो सब इसी को देख करके आया था। तो इन्जॉय कीजिए। सो गाइस अंदर तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और जैसा कि आप लोगों ने अभी, मैंने जो पिछली फोटो में आपने देखा भी होगा, फोटो हमने डाल दी थी डिटेल के साथ, हिस्ट्री इसकी क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल्स उसमें पड़ी हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको अंदर लेकर के जाने की। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे बेसिकली पूर्व राष्ट्रपति यूएस के ओबामा जी, वो भी यहाँ आए थे, शायद वो आए थे और पहले गए थे हुमायूं टॉम के बाद फिर वो यहाँ पे भी आए थे। तो तब से मेरा मन था कि आप लोगों को एक बार लेकर के तो आऊंगा, बेसिकली तब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं करी थी, तो बट ये था कि एक बार मैंने भी घूमना ही था, मैंने भी प्रॉपर अंदर से नहीं देखा था, बट सोचा कि आप लोगों के साथ ही, चलो यही किस्मत थी, तो आप लोगों को भी लेके आ गए अंदर। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं, यहीं से एंट्री है, तो आप लोगों को अंदर लेकर के चलता हूँ। तहखाना हुआ करता था, बट अभी बंद है, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। वाह क्या बात है, वाह क्या सीन है, बेहतरीन मौसम, बेहतरीन नजारा, मतलब हमारे व्लॉग को भी मौसम देखो क्या सपोर्ट करता है, एकदम बढ़िया वाला मौसम हो गया, धूप रुक चुकी है गाइस। टाइम हो रहा है इस समय 2:30 बजे, दोपहर के 2 बजे, आप देख रहे हो कोई धूप नहीं है, बिल्कुल एकदम शानदार मौसम। चलिए आप थोड़ी देर इस ब्यूटी को एंजॉय करते हैं।
सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। लोकेशन एकदम सिंपल है, आप निजामुद्दीन जो बेसिकली है निजामुद्दीन के सामने ही है। तो जैसा कि मैंने आपको लोकेशन का आइडिया दिया था अपने पिछले ब्लॉग में, निजामुद्दीन बस्ती उससे लेफ्ट हैंड साइड पे सामने की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका हुमायूं टॉम्ब आता है और राइट साइड पे ये खाने खाना है। सो जब भी आप निकलते हैं मेन रोड से आपको साइड में दिखता ही होगा, तो कभी भी आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी प्यारी जगह है पिकनिक के लिए, पिकनिक तो नहीं बोलूँगा, बहुत छोटी सी बेसिकली अगर आपको टाइम स्पेंड करना है घर से बाहर निकल करके, और किस्मत आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी अच्छी मेरी है कि जैसा मौसम ऐसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके आराम से आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पार्क हैं हमारे साथ में। हम यहाँ पे बैठ कर अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें पानी की बॉटल वगैरह लाने के लिए कुछ भी मना नहीं किया गया था बाहर से, तो आई थिंक आप पानी की बॉटल से अगर कुछ लाना चाहें अंदर ड्रिंक वगैरह करने के लिए, ड्रिंक नहीं सॉरी पानी या कोक वगैरह, ठीक है, तो वो सब ला सकते हैं आप अंदर बैठ करके, अपना थोड़ा टाइम इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। और बाकी अब आपको क्या ही बताऊँ, जगह अच्छी है, थोड़ी देर के लिए आपको ये टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं गाइस, जो मैं आपको बता रहा था ना ऊपर का टॉप वाला गुंबद जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आप देखिए टॉप वाला जो गुंबद है वो अभी उस पर काम चल ही रहा है, अभी आधा काम हुआ है, तो जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यार, ये बात तो है, बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये मुझे शायद नींबू का पेड़ लग रहा है, ये नींबू लगे हैं कच्चे कच्चे शायद, देख के बताओ किसको पता है कौन सा पेड़ है, देख के बताओ। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, नीचे आप देख सकते हैं बहुत हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। सो गाइज ये थे रहीम के दोहे, जैसा कि अगर आप लोग कोई कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे रहीम के दोहे के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं रामायण के कुछ दोहे। हिमांशु पढ़ के बताओ, गही शरणागति राम की भव सागर की नाव, रहीमन जगत उधार कर और ना कछु उपाव। नीचे वाला, धूरी धरत नित शीश पे कहू रहीम की काज, जेही रजमुनि पत्नी तरई सौ ढूंढत गजराज। बहुत आठ, और आप ये देख सकते हैं गाइस और भी हैं यहाँ पे, तो बेसिकली रहीम के और भी दोहे लिखे हुए हैं, या अब आप मुझे पढ़ के बताइए क्या है। हमेशा अपने बेटे का थोड़ी मैं एग्जाम लेता रहूंगा, तो चलिए शायद यहीं पे नहीं और भी हैं, रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वन के वेद सम तुर्क ही पर प्रकट कुरान। राम नाम जान्यो नहीं भाई पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मनी है जम के किंकर गाने। क्या बात है, ये कुछ ये रूम्स गाइस जो बनाए जाते हैं ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर जगह पे ये छोटी सी जगह दी जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब जिस टाइम पे ये आबाद हुआ करता था तो शायद यहाँ पे दिए जलाए जाते थे, और ये शायद ये कॉर्नर रूम्स जो होते हैं ये थे कि इससे बाहर की तरफ भी रोशनी रहे, इसमें शायद ये सब में दिए जलाए जाते थे, दिए मोमबत्ती जो भी होती थी उस टाइम पे वो जलाए जाते थे। सो गाइज ये अब्दुल रहीम के बारे में बेसिकली सारी जानकारी दी गई है, जिसको नहीं पता अब्दुल रहीम कौन थे उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब्दुल रहीम खाने खाना मुगल योद्धा बैरम खान के पुत्र थे, बादशाह अकबर के दरबार के बाहुवादी परिवेश में रहने से उनमें अनेक भाषाओं और में रचना करने की रुचि और संवेदनशीलता के विकास हुआ, आगे चलकर वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि सफल लेखक उत्कृष्ट विद्वान एवं सफल प्रशासक बने। 16वीं सदी में रहीम के दोहे कुलीन वर्ग और जनसाधारण में समान रूप से लोकप्रिय हुए, उन्हें आगरा लाहौर दिल्ली बुरहानपुर में भव्य इमारतों नहरों तालाबों और बागों में निर्माता होने का श्रेय भी माना जाता है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें ताकि अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, और आगे भी नीचे की भी और डिटेल दिखाते हैं थोड़ा सा कि कब कब उनका जन्म हुआ था, कैसे क्या हुआ था, 1556 में उनका जन्म हुआ, सारी डिटेल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस यहाँ पे। और जिसको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट हो वो यहाँ पे आके देख भी सकता है। 20 रुपए की टिकट है एडल्ट, बच्चा फ्री है 15 साल तक, और यहाँ पे भी अगर आप कुछ देखें कबीर के जो दोहे रहीम के जो दोहे कबीर के नहीं रहीम के जो दोहे और छंद है, 300 तकरीबन 300 दोहे प्रचलन में है, ये असाधारण दोहे दुनिया की नैतिक
बेसिकली मूल्य व्यवहारिक अवलोकन में अद्वित है। कुछ बेसिकली उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ लिखी गई है, उर्दू में जो दोहे लिखे गए थे वो भी है, सब कुछ है। अच्छा गाइस, यहाँ कौन बताएगा कि ये कौन है? तीनों ये तीनों हमें कमेंट करके बताइए कि कौन है, या मैं ही बता देता हूँ यार। ये बादशाह अकबर थे, ये तानसेन थे, ये तानसेन के गुरुजी थे। अब ये गुरुजी कौन है? ये गुरुजी वो गुरुजी थे जिन्होंने वृंदावन में तपस्या करके अपने सुर से, अपने गानों से बांके बिहारी को प्रकट किया था। अब आप मुझे उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन थे। इतनी डिटेल मैंने आपको दे दी, वृंदावन में जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था, बांके बिहारी को गोद में लेकर के काफी टाइम वो वृंदावन में ही बैठे रहे थे। जब कृष्ण और राधा जी अलग अलग स्वरूप में आए थे उनके पास, उनके सामने प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कृष्ण और राधा को ये प्रार्थना करी थी उनसे कि भाई मैं तो यहाँ पे जंगल में बैठता हूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, तो मैं तुम दोनों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने राधा कृष्ण से, ये बेसिकली कृष्ण जी से एक प्रार्थना करी थी कि आप राधा जी को अपने अंदर समाहित कर लीजिए और मेरे पास एक ही रूप में आइए। तो कृष्ण जी ने वहां पे राधा जी को अपने अंदर समाहित किया था, और वो जो बांके बिहारी में जो आप प्रतिमा देखते हैं जिसमें बांके बिहारी जी ऐसे थोड़े से टेढ़े खड़े हैं, वो प्रतिमा बनी थी जो कि उन्होंने ही, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि वो कौन थे, उन्होंने उस प्रतिमा की फिर पूजा पाठ की। बेसिकली काफी सारे जो फल वगैरह जो वो खाते थे, पहले उनको भोग लगाते थे ठाकुर जी को, फिर उसके बाद वो खुद खाते थे। अब आप मुझे बताइए कमेंट में कौन है, कमेंट में बताएं। तो गाइस यहाँ पे डिटेल तो बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। आगे हिमांशु से मैं कहूंगा थोड़ा थोड़ा साइड साइड में भी आपको ऐसे दिखाते चलेंगे कि यहाँ पे काफी सारी डिटेलिंग है। मैं डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में दिखाता हूँ आपको। जैसे कि लोकेशन के बारे में मैंने बताया था, हम पिछला ब्लॉग हमारा था हुमायूं टॉम्ब्स का, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, काफी अच्छा ब्लॉग था। हुमायूं टॉम्ब यहाँ पे आपका है रहीम टॉम्ब, तो बेसिकली बहुत पास में है, और ये इस साइड पे आपके निजामुद्दीन का रोड जाता है, और पीछे बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो तो आईटीओ वगैरह साइड निकल जाता है, मतलब आईटीओ सर इस तरफ है, ये आपका जमुना पार चला जाता है रास्ता। तो गाइस जो कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, आई नो कि कमेंट में कोई नहीं बताने वाला, इसलिए उसका जवाब मैं आपको खुद ही दे देता हूँ। हिमांशु भी कैमरे के पीछे हंस रहा है कि बता दूं, देख लो बता दो, नहीं बताऊंगा, कमेंट में जवाब दो क्योंकि बहुत लोग कमेंट में जवाब नहीं देते। आओ आई होप कि आप लोगों के वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्यों नहीं, बहुत मजा आता है हमारे, हम मतलब कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे और वीडियोस बनाने के लिए। तो जितने भी नए नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं ये कहूँगा एक बार जाकर के डू चेकआउट, सारे के सारे वीडियोस हमारे चेकआउट करें, उसके बाद अगर कंटेंट पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने बेसिकली लाइक के लिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, लाइक का कोई टारगेट रखें ना रखें, अभी लाइक का टारगेट नहीं रखेंगे, अभी हम सब्सक्राइब का टारगेट रखते हैं, क्योंकि हिमांशु ने मुझे चैलेंज किया है 1000 सब्सक्राइबर्स टिल 31st December मुझे कंप्लीट करने हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, खूब भाग रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना रेगुलर वीडियोस डाल सकूँ। 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, टिल 31st December 1000 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले संडे दिल्ली दर्शन के साथ। टिल देन लव यू गाइज, अजय पांडे साइनिंग ऑफ, एंजॉय द व्यू।
सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं रेडवी जगह। चलो